सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको दो मिनट में समझ आ जाएगी, जस्ट मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम ऑडिट और रिपोर्ट का मतलब समझ लेते हैं। ऑडिट क्या होता है? इसके अंदर एक पर्सन होता है ऑडिट के अंदर, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंपनी की ट्रांजेक्शन को, कंपनी के अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, चेक करता है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन सी स्टेटमेंट आ जाती हैं, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। वो देखता है कंपनी की जो इनकम जो शो करवा रही है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो सही है कि गलत है, नेट इनकम। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट को चेक करता है, लाइबिलिटीज को देखता है कि ये सही है, एक्यूरेट लिखे हुए हैं कंपनी ने, इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो सही की हुई है। उसके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, मेथड होते हैं, जिसके जरिए से उसे फौरन पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई मसला है, गड़बड़ है कि या ये करेक्ट है। और उसके बाद वो ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसको हम ऑडिट ओपिनियन बोलते हैं, ऑडिटर ओपिनियन। अब ये देखें, ये जो ऑडिट होता है ना, ये ऑडिटर होता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, मतलब आजाद होता है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। और ये जो सारा काम ऑडिटर कर रहा होता है, इसको हम ऑडिट बोलते हैं। अभी रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट जो होती है एक स्टेटमेंट होती है जो प्रेजेंट फैक्ट के ऊपर बेस कर रही होती है, जिससे हमें एक चीज के बारे में आइडिया मिल जाता है, उसका कंक्लूजन थोड़ा सा पता चल जाता है, रिजल्ट थोड़ा सा पता चल जाता है। अभी बात आ जाती है कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है एक रिटन ओपिनियन होती है जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देता है ऑडिटर। लाइक मैंने आपको बताया, जो सारा चेक कर रहा होता है उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। तो ऑडिटर जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो अपनी ओपिनियन देता है, जो राय देता है, लिख के बताता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी सही है, कितनी गलत है, ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है, ये थोड़ी मिस्टेक्स हैं, ये सारी चीजें वो बताता है। उसके बारे में जो रिटन ओपिनियन देता है उसको हम ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। अब ये देखें ऑडिट रिपोर्ट, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट जो होता है ना, ये मोस्टली कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए तैयार की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए तैयार की जाती है। अभी स्टेक होल्डर क्या होते हैं? लाइक जिनका कंपनी के अंदर कोई कंसर्न है, जिनका कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट है। अभी ये देखें, इन्वेस्टर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, ऑनर हो गया, कंपनी के जो कस्टमर हैं, कंपनी के जो इंप्लॉयज हैं, ये सारे को क्या है, स्टेक होल्डर हैं, इनका कंपनी के अंदर कंसर्न है। तो अभी ये स्टेक होल्डर के लिए ऑडिट रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। लाइक जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, लाइक कंपनी के जिनके पास 50% शेयर हैं, 30% शेयर हैं, जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो ऑनर हैं, ये उनके लिए तैयार की जाती है, कस्टमर वगैरह के लिए नहीं तैयार की जाती। तो उनको 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 इसका क्या बेनिफिट होता है? उनको इसका ये बेनिफिट होता है, उनको पता चल जाता है कि कंपनी की जो कितनी कंपनी के अंदर सच्चाई है, कंपनी कितनी अदल पे काम कर रही है, कितनी ईमानदारी है कंपनी के अंदर, फेयरनेस कंपनी के अंदर कितनी है, कंपनी के अंदर ट्रूथनेस कितनी है, इससे उनको ये पता चल जाता है। तो समटाइम कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कंपनी को बता रही होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कंपनी जो है घपला हो रहा है, कंपनी के अंदर काम सही से नहीं हो रहा, कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, स्टेक होल्डर को पता चल जाता है। और समटाइम जब सही होती है तो कंपनी को पता चल जाता है कंपनी सच्चाई पे चल रही है, ईमानदारी से चल रही है, ट्रूथनेस है कंपनी के अंदर, फेयरनेस है, हमारे साथ अच्छी है, लॉयल है कंपनी। तो इसका यह बेनिफिट होता है। अभी ये देखें, दो किस्म के ऑडिटर होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिटर और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर जो होता है ना, नाम से ही पता चलता है, इंटरनल मतलब अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ऑडिटर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद हायर किया होता है, खुद उसको बनाया होता है ताकि वो कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको ला सके, जो डेली की एक्टिविटीज हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको चेक करता रहता है, उसको वेरीफाई करता रहता है, ताकि कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट आए, एफिशिएंसी आए, कोई फ्रॉड ना करे, और कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है, लाइक वीकली, डेली, मंथली, मतलब टाइम पीरियड के बाद देखता रहता है, जिससे लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि हमने हिसाब भी देना है और हमें कोई चेक करने वाला भी है। तो और ये जो रिपोर्ट देता है मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट ने हायर किया होता है, इस रिपोर्ट को हम इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कह सकते हैं। अभी एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो लाइक कंपनी के अंदर जिसका कोई कंसर्न नहीं होता, जो थर्ड पार्टी ने, लाइक कंपनी के, मैंने आपको बताया था, स्टेक होल्डर होते हैं, जो बड़े बड़े मेंबर हैं कंपनी के, शेयर होल्डर हैं, कोई कंपनी का ऑनर है, वो किसी बाहर की गवर्नमेंट के ऑडिटर को बुलाता है या किसी और कंपनी के ऑडिटर को बुला के अपनी कंपनी का ऑडिट करवाता है, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे। मतलब ऑडिट करवा के वो जो रिपोर्ट देता है उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट
बोलेंगे। और समटाइम ये दोनों जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर मिल जाते हैं और मिल के एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको हम सिंपल ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।